भात का कवर ले करके गए, बहुत चिंता में थे, खोजने लगे बछड़ों को इधर उधर। इतुक्त्वाद्रि दरी कुंज गह्वरे स्वात्म गोवत्सन। तो पर्वत पर सबसे पहले चढ़े भगवान, गोवर्धन पर, कहीं ऊपर बछड़े चर रहे होंगे। ऊपर गए खोजे सब जगह, कहीं नहीं थे। तब फिर दरी, फिर घाटी में, खोह में खोजने लगे, वहाँ भी नहीं थे। फिर गुफा में घुसे कई जगह, कुंज में, कई ऐसे विवर होते हैं जहाँ पर लताएं छा जाती हैं, उसको कुंज कहते हैं। तो कुंज कुंज में खोज रहे थे, इधर विवर में, गुफा में, सब जगह, और कहीं नहीं, बछड़ों का खुर तक का निशान नहीं मिल रहा था। ये भी नहीं पता चल रहा था कि इधर से गए हैं तो चलो कुछ दूर चले गए होंगे, उनके पद चिन्ह हैं मिल रहे हों, ऐसी भी बात नहीं, तो कुछ भी नहीं उद्देश्य मिल रहा था। और श्री कृष्ण बिल्कुल चिंता में पड़े थे, भगवान की अद्भुत मुद्रा थी। अब भोजन काहे को अच्छा लगने लगे कृष्ण को, दही भात का जो कवर था वो हाथ पर ही रह गया, भगवान कुछ खाए नहीं, ऐसे ही जा रहे थे। वास्तव में दही भात का कवर जो था वो और ब्रह्मा को भ्रम में डालने के लिए था। अगर हाथ धो करके खूब आराम से गए होते तो शायद उतना भ्रम नहीं होता ब्रह्मा को, लेकिन दही भात का कवर लिए जा रहे थे, और इसके लिए भी कि बच्चों को ये देख करके सुख मिले कि कृष्ण खाते हुए जा रहे हैं, तो उनको सुख देने के लिए भी दही भात का कवर लेकर के गए थे। तो उधर जा रहे थे, खोज रहे थे, इधर उधर, इधर उधर, बहुत खोजे। विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणी कौलो जऊ, सपाणी कौलो, हाथ में कवर लिए हुए गए, चारों तरफ खोजे, लेकिन कहीं नहीं पता चला। जब कहीं नहीं पता चला तो भगवान निराश लौटने लगे, लौटे फिर खोजते हुए ही लौट रहे थे, खोजते हुए, अन्वेषण करते हुए लौट रहे थे, झांक रहे थे कुंज में, गुफा में, इधर उधर, कहाँ गए। तब यह भगवान को चिंता हुई कि मैं बहुत देर कर दूंगा तो बच्चे भी हमको खोजने के लिए चल देंगे तो वे परेशान होंगे। अतः भगवान जमुना के पुलिन पर लौट आए। जमुना के पुलिन पर आकर देखे जहाँ बच्चे बैठे थे तो वहाँ पर एक भी बच्चे नहीं थे। घटना यह थी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अम्भो जन्म जनिष तदंतर गतो मायार्भ कश्य सितु द्रष्टु मंज महित्व मन्य दपि जत तद्वत्सा नितो वत्सपान। ब्रह्मा जी पहले आकाश में रहकर अघासुर के मुक्ति की कथा को देखे थे, दृश्य को देखे थे, आकाश में अवस्थित होकर देखे थे कि किस तरह से अघासुर मुक्त हो गया भगवान के प्रवेश करने से मुख में। तो इस कारण से ब्रह्मा जी के मन में एक बहुत बड़ी लालसा उदित हुई कि श्री कृष्ण की अन्य मनोहर महिमा को मैं देखूंगा। तो उन्होंने पहले ही सोच लिया कि इनके जितने बछड़े हैं उनको चुरा लूँगा और बच्चों को भी चुरा लूँगा, तो देखता हूँ क्या करते, खोजने की लीला देखूँगा, जरूर खोजेंगे, अथवा पता लग जाएगा उनको कि ब्रह्मा ने किया है तो शायद हमसे हाथ जोड़ करके कहें कि दे दीजिए हमारे बछड़ों को, क्या परेशान करते हैं, कि बुला करके तमाचा मारेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ब्रह्मा जी को, लेकिन देखना चाहते थे कि भगवान क्या करते हैं। इसको मंजू महिम दर्शन कहते हैं, मंजू महिमा, बहुत सुंदर ऐश्वर्य भगवान का देखना चाहते थे। तो जब अघासुर मरा, मुक्त हुआ, तो ब्रह्मा जी देख रहे थे अपने प्रभु के इस महिमा को, वे देख रहे थे और बहुत बड़े विस्मित थे, इसीलिए और भगवान की महिमा देखने की इच्छा हुई। पर देखने की इच्छा हुई तो जो उन्होंने स्टाइल अपनाया वो गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो कुछ हुई हो, भगवान उनके हृदय में थे, जैसा प्रेरित कर रहे थे वे किए, तो बछड़ों को तो चुरा ही लिए थे, भगवान जब बछड़ों को खोजने गए तो बच्चों को भी चुरा लिए। और श्री कृष्ण आए, देखे बच्चे नहीं थे, बछड़े नहीं थे,
फिर दौड़े उधर खोजने के लिए, लगता है कि बछड़ों को खोजने के लिए वे सब चल दिए, जहाँ तहाँ बछड़ों को खोजने के लिए बच्चे चल दिए हैं, भगवान इस भाव में हो गए। और खाने का थोड़ा भी ध्यान नहीं है, और दही भात का कौर फेंक भी नहीं रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे, इधर देखते हैं उधर देखते हैं। अब तो सारा धन समाप्त हो गया, अपने स्वजन सब चले गए, बहुत चिंता में भगवान थे। इस तरह से खोज रहे थे, कहीं कोई नहीं मिला। तब भगवान ने थोड़ा सा चित्त को एकाग्र करके देखा कि आखिर हुए क्या, कहाँ गए बच्चे और बछड़े कहाँ गए। तो तुरंत उनके समझ में आ गया कि ये विधि का किया हुआ है, ब्रह्मा का किया हुआ है। ओ वो चुराया है, चुरा करके चोर की तरह छिप गया। भगवान को पता था कि वे बछड़े कहाँ हैं, वास्तविक बछड़े और वास्तविक बच्चे तो सब भगवान के साथ ही थे अलक्षित रूप से, लेकिन माया के द्वारा निर्मित जो बछड़े थे और बच्चे, वो ब्रह्मा जी ने एक जगह ले जाकर सबको सुला दिया था, जहाँ तक भगवान नहीं पहुँचे थे इसके बाहर। यदि भगवान सब जानते थे कि यहाँ पर बछड़े हैं, वो नकली बछड़े और बच्चे, लेकिन फिर भी अज्ञ की तरह खोज रहे थे। तो ब्रह्मा जी ये कार्य किए थे, भगवान समझ गए, सर्वम विधि कृतम, भगवान ने देख लिया कि सब विधि किया है, ब्रह्मा किया है। अच्छा बेटा, बाप के साथ इस तरह व्यवहार करना चालू किया, भगवान सोचने लगे। तो भगवान डांटने नहीं गए, गाली देने नहीं गए ब्रह्मा को, जो उसके समझ में आया वो किया, अब हमें जो करना चाहिए वो मैं अब करूँगा। तो भगवान ने सोचा कि तन्मातृणाम च कस्य च मुदम कर्तुं, उन बच्चों की माताओं को परम आनंद देने के लिए और ब्रह्मा जी को भी आनंद देने के लिए, उभयाय तम आत्मानम चक्रे विश्व कृदीश्वरः, विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर श्री भगवान अपने को बछड़ों और बच्चों के रूप में प्रकट किए। तुरंत देखिए भगवान श्री कृष्ण की यह भगवत्ता शक्ति, क्या इस संसार में कोई व्यक्ति अपने को दो रूप में व्यक्त कर सकता है? यदि जोगियों में भी ये शक्ति होती तो उनको कदाचित जेल में बंद किया जाता तो दूसरे रूप से भागकर घर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बनने के लिए बहुत बने, बड़े बड़े जोगी बनते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, सब फाल्स प्रोपेगेंडा होता है वास्तव में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने को एक्सपैंड कर लिए, जितने बच्चे थे और जितने बछड़े थे तुरंत। और इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी एक बृहती छंद में गाते हुए कहते हैं, यावद् वत्सपकल्पक बपु यावद् कराङ्घ्र्यादिकं यावद् जष्टि विषाण वेणुदलसे यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। बच्चों और बछड़ों के विषय में कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी कि जैसे जैसे बच्चे छोटे छोटे थे, छोटे छोटे शरीर के, जैसा उनका हाथ पैर था, मस्तक था, नाक थी, आँख था, सब कुछ, और कोई सांवले थे कोई गोरे थे बच्चे, जैसे जैसे थे वैसे भगवान बन गए। अब ये जो बछड़े हैं, ये जो बच्चे हैं, वो डायरेक्ट श्री कृष्ण हैं।
और वास्तविकता ये है कि ब्रज में जितनी भी गौएं थीं और मातृभाव वाली गोपियाँ, सबके मन में इच्छा होती थी कृष्ण हमारा दूध पिए, कृष्ण हमारा पुत्र बने। वे चाहती थी क्या कृष्ण कभी हमको माँ कहेंगे जैसे वे यशोदा को माँ कहते हैं, ये इच्छा होती थी। प्रत्येक माता के हृदय में ऐसी अभिलाषा थी, प्रत्येक गोपी के जो वात्सल्य भाव वाली थी। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्णतः समझते हैं। कोई माँ चाहते हैं कृष्ण हमारे गोद में आवे, हमारा दूध पिए और हमको माँ कहे, और कृष्ण की भी इच्छा होती थी, माँ की तो इच्छा होती थी, कृष्ण की भी इच्छा होती थी, क्या कभी ऐसा समय आएगा कि मैं इसकी गोद में पुत्र भाव से रहूँगा, दूध पीऊँगा, खेलूँगा। तो समय पर वह अवसर भगवान ने स्वयं ही निकाल लिया, तो स्वयं बन गए बछड़ा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जावत वत्सप वत्स काल्पक बपु, जैसा जैसा जिसका छोटा बड़ा शरीर था, सांवला गोरा, जावत करांग्रयादिकम, और जैसे जैसे उनके हाथ थे पैर थे, कर अंग्री आदिकम, आदिकम से सिर कान वक्षस्थल सब कुछ जैसा था वैसा भगवान बन गए। और जैसा शील स्वभाव, कोई वाग्मी था, कोई बोलने में चतुर था, किसी काम को करने में जैसा दक्ष था, ठीक वैसे बन गए, थोड़ा भी अंतर नहीं रहा। और जैसा जैसा जो गहना पहनता था, जैसा वस्त्र पहना था, ठीक वैसा ही वस्त्र, वैसा ही गहना, यहाँ तक कि जष्टि वेणु विषाण दल से छड़ी भी, बेंत भी, जो बछड़ा चराने के लिए बच्चे लाते थे, तो भगवान जष्टि बन गए। जष्टि मतलब छड़ी, बेंत और विषाण, सिंह, वेणु, बाँसुरी और दल, पत्ता, सब कुछ बन गए। जावत शील, जैसा शील था, जैसी जैसा कंठ स्वर था, जैसी आँखें थी, जैसा स्वभाव था, सब बन गए। जैसा नाम था वही नाम भी रख लिए, सब कुछ। और जावत विहार आदि कम, और जिस तरह से बच्चे व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के साथ विहार करते थे, उनको जिस खेल में रुचि थी, जैसा वैसा सब कुछ बन गए। यहाँ तक कि बछड़ों के गले में माला जो थी किसी चीज़ की, वो माला भी श्री कृष्ण बन गए, सब कुछ बन गए। जब छड़ी और वेणु श्रृंग आदि सब बन गए, तो और बछड़ा और बच्चा बनने में क्या, इस तरह भगवान बन गए सब। और अपने से अपने को हाँकते हुए, अपने से अपने को चरा रहे थे। यह अद्भुत लीला है भगवान की। गोप भी सब श्री कृष्ण हैं, बछड़े भी श्री कृष्ण हैं, तो स्वयं से स्वयं को चराते थे, स्वयं से स्वयं को हाँकते थे, और खेल में कंपटीशन ले रहे थे, स्वयं से कंपटीशन ले रहे, स्वयं ही स्वयं से कंपटीशन ले रहे, इस तरह से खेल रहे थे। तो उस दिन भगवान ने शाम को प्रवेश किया गोकुल में। सायं गतो जाम जमेन माधव, इस तरह प्रवेश कर रहे हैं। तो जब प्रवेश किए गोकुल में, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ जहाँ से रास्ता बदल रहा था, अलग अलग घरों का, बच्चों के जाने का और बछड़ों के जाने का, तो स्वयं ही श्री कृष्ण जो गोप बालक बने हुए हैं, वे स्वयं ही बने हुए बछड़ों को अलग अलग करने लगते थे। गांव तो ऐसे बहुत लंबा था, चौड़ा था, तो कुछ बछड़े इधर गांव के शुरू में रहेंगे, कुछ बीच में रहेंगे, किसी का खिड़क कहाँ है, किसी का खिड़क कहाँ है, तो स्वयं ही नाम रख रख करके बछड़ों का या उनको रोकने लगते थे, ए इधर चलना है, इधर चलना है इसको, वो समझ गए। पृथक पृथक सब अलग अलग करने लगे, और जिस घर के जो बछड़े थे, जिस रंग के थे, जिस नाम के थे, उस नाम के सारे बछड़ों को और उसी नाम वाला गोप शिशु बने हुए श्री कृष्ण अलग अलग करते थे।
अरे हमारा बछड़ा उधर जा रहा है, उधर क्यों जा रहा है, उधर से रोको 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 रोको, अपने को ही कह रहे थे, कोई गोप है वो भी कृष्ण ही है, से कहते वो बछड़ा उधर जा रहा है, उसको जरा फेरो फेरो, इधर चले इधर चले, अपना घर भूल रहा है। इस तरह से हजारों घरों में, खिड़क में, गोष्ठ में भगवान बछड़ों को अलग अलग करके ले गए, लीला कर रहे थे। अच्छा, जब बांसुरी बजाए बच्चे अलग अलग, तो उनकी माताएं किस तरह मिल रही हैं, इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। तन मातरो वेणु रवत त्वरोत्थिता उत्थाप दुर्भि उत्थाप दुर्भ्याम परिस्वज्य। तो ये कहते हैं कि जब माताएं अपने अपने बच्चों के बांसुरी का स्वर सुनी तो तुरंत उठ गई, उत्थाया तुरंत उठ गई और दौड़ करके गई, बच्चा जो प्रणाम किया माँ को तो प्रणाम करते हुए बच्चे को उठा लिया, उठा करके अंक में रखा और आलिंगन करके आनंद में विभोर हो गई। आज वह बच्चा नहीं था जो पहले आता था, आज साक्षात श्री कृष्ण थे, परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान, जो आनंद मूर्ति हैं, आनंद घन हैं, वे आए। तो आज के बांसुरी के स्वर में कुछ और ही रस था, और ही अद्भुत रस था। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं कुशलतापूर्वक और उसमें अमृत का प्रवाह बह चलता है, तो आज कोई भी बच्चा बांसुरी बजा रहा था तो वैसा ही आनंद आ रहा था, क्योंकि आज प्रत्येक बच्चा श्री कृष्ण है, परब्रह्म है, भगवान है। इसीलिए माताएं अपने अपने घर से निकलें तो प्रणाम करते हुए बच्चे को उठाकर तुरंत गोद में रख लें। कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जो निश्चित ही दूध नहीं पीते थे माँ का, 5 वर्ष के हो गए थे, तो अब वो लोग जैसा आपने सुना है कि खा रहे थे भात दही सब भोजन कर रहे थे, तो अब लगभग दूध पीने का समय बीत चुका था। कितने वर्ष तक दूध पीते हैं बच्चे? जो भी हो, लेकिन उस दिन सभी बच्चे अपने माँ का दूध पीने लगे, सभी, और स्नेह से स्तन में अपने आप अमृत से भी अधिक स्वादु और परम मादक रस चू रहा था, दूध चू रहा था माताओं, अपने आप। आपने जगत में देखा है कि माताओं का दूध बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन अप्राकृत जगत में माँ का दूध कभी नहीं सूखता है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं प्रथम स्कंध के 11वें अध्याय में, भगवान कुरुक्षेत्र से लौटे थे महाभारत के युद्ध के बाद, हस्तिनापुर से लौटे थे द्वारका। उस समय श्री कृष्ण लगभग 100 वर्ष के थे, प्रकट लीला में 100 वर्ष के थे। वैसे तो भगवान अनादि काल से हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर प्रकट लीला में उनको 100 वर्ष हो रहा था। तो जब द्वारका में उनका स्वागत हुआ और इसके बाद अपने माता पिता के घर में गए, माँ देवकी के घर में, और देवकी जी की और भी 6 बहनें थी, 7 बहन देवकी जी थी, सबका विवाह वसुदेव जी से हुआ था। तो जब गए तो माता देवकी के गोद में ऐसे भगवान बैठ गए जैसे एकदम बच्चा बैठा, और माता देवकी के स्तनों से झरझर दूध चूने लगा। और लिखा गया है कि माँ के आँखों से आनंद के आंसू चू रहे थे और स्तन से दूध चू रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण का स्नान हो गया उस समय, दूध चू रहा था। 100 वर्ष के बाद भी दूध अखंड है स्तन में भगवान के लिए, और देवकी के तो स्तन से दूध चू ही रहा था, अन्य भी जो माताएं थीं जैसे रोहिणी वगैरह, इनके स्तनों से भी दूध चू रहा था। और भगवान बारी बारी से सबके अंक में बैठ, गोद में बैठ, उनके लिए बिल्कुल बच्चा ही है भगवान।
तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तन मातरो वेणु रवत तोरो थिता उत्थाप दुर्भि परिरभ्य निर्भरम स्नेहस्नुतस्तन पय सुधासमम मत्वा परब्रह्म सुता न पायन। ये परब्रह्म भगवान को श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान करके दूध पिलाने लगी। दूध छूट गया था उनका, जो पूर्व के बच्चे थे उनके लिए दूध छूट गया था, लेकिन आज जब भगवान पुत्र बन करके आए और गोद में चढ़ गए तो स्तन में अकस्मात दूध भर गया और अमृत से भी अधिक मादक सुस्वादु दूध भर गया और भगवान पीने लगे। वो बच्चा पीने लगा, अपने अपने माँ का दूध पीने लगा और पिलाने लगी। निर्भर, निर्भर का अर्थ पूर्ण रस में स्नेह में परिप्लित हो गई माँ और दूध पिलाने लगी और श्री भगवान पीने लगे। ब्रज का दूध इतना अच्छा है, इतना सुस्वादु है कि भगवान ने सोचा, एक भक्त कहते हैं, अकेले जब कृष्ण रूप में पी रहे थे, माखन चुरा कर खा रहे थे, दूध दही सब पी रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं रस आएगा, जितनी माताएं हैं उतना पुत्र बनकर पीऊँगा और जितनी गौवें हैं उतना बछड़ा होकर के पीऊँगा तब मेरा मन भरेगा। इतना वो पिए हैं छक करके, भगवान ने किसी भी अवतार में इतना दूध नहीं पिया है, खूब दूध पिए, खूब पिए और खूब नाचे। नाचने में भगवान कृष्ण तो नटवर है ही, और वे भगवान राम और विष्णु जैसे ऐसे गंभीर नहीं रहते हैं, वो बहुत नाचते हैं। जब देखे तब गाय चराते हुए नाचते हैं, बछड़ा चराते हुए नाचते हैं, माँ जसोदा खिलाती है, खाना छोड़कर नाचने लगते हैं। गोपियाँ इतना तक कह देते हैं कि तुमको एक कटोरी मट्ठा देंगी अगर नाचोगे, तो तुरंत नाचने लगते छछिया भरी छाछ पर नाचने चाह, लगता है जैसे कि नहीं नाचेंगे तो देगी ही नहीं। और इतना दुर्लभ है छाछ ब्रज का कि वो भी छछिया भरी छछिया कहते हैं। कुछ गोपियाँ रखती हैं जब दही मथती हैं तो एक छोटी सी कटोरी रखती हैं, काठ का रहता है, तो उसी से किसी को थोड़ा देती हैं, ऐसे फ्री में देती हैं, उसको छछिया कहते हैं। छोटी सी कटोरी होती है काठ की बनी, तो इतनी सी छछिया भरी छाछ के लिए श्री कृष्ण थिरक थिरक कर नाचने लगते, और तो अद्भुत नृत्य होता है। कहते जब तक नाचोगे नहीं तब तक नहीं दूंगी, तो नाचने लगते। खूब नाचे हैं, खूब खाए हैं भगवान, दूध पिए हैं, माखन खाए ब्रज में खूब छक करके। तो इस तरह से माताएं दूध पिलाने लगी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण मतलब सुता, परम ब्रह्म मत्वा सुता न पायत, उसकी भावना ये है कि मैं पुत्र को पिला रही हूँ, लेकिन वास्तव में पिला रही है परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए पिलाने में और आनंद आ रहा है और स्तनों में बाढ़ आ रही है। स्नेह स्नुता का प्रेम से दूध अपने आप चुचुआ रहा था, बह रहा था, दूध इतना बन गया स्तन में कि वो अपने आप बह रहा था, बह रहा था। तो देर तक भगवान पीते रहा, और इस तरह कब तक पिए अपने अपने माता का दूध, एक वर्ष तक। प्रतिदिन लीला होती थी शाम को आने की, और रात भर माँ के गोद में सोते थे, तो बीच बीच में भी उठ उठ करके रात में कई बार दूध पीते थे। बच्चों के लिए तो कोई मुंह धोना और ये शुद्ध होना इसका कोई नियम नहीं है, कभी भी पी सकते हैं, खा सकते हैं। बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए भोर में कि तुम जाओ नहाओ, चाहे ठंडा हो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से भगवान दूध पी रहे थे। यह तो भगवान का सुख हुआ और सेवा करके माताएं धन्य हो गईं। अब और सेवा की परिपाटी का वर्णन करें। ततो निरपोर्मर्दन मज्जलेपना अलंकार रक्षा तिलकासनादिभि संलालितैः स्वचरितैः प्रहर्षयन् सायं
गतो याम जमेन माधवः। और घर पर तो दूध पिलाने के बाद जब ही कृष्ण आए वत्सचारण करके प्रथम दिन, तो ये तो दूध पिलाने लगे। और दूध पिलाने के बाद तब सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, उन्मर्दन वे घर में ला करके और सुगंधित तेल लगाने लगी सारे शरीर में, उबटन आदि सेवा करने लगी माताएं। ये तो माँ का सहज स्वभाव होता है, बच्चा दिन भर थक मांद करके आया है, धूल लगी है सिर पर आँख में जहाँ तहाँ, धूली का अपसारण करके और उबटन सुगंधित तेल लगाने लगते, इसको उन्मर्दन कहते हैं। मालिश करना, पैर में थकावट हो गई है, प्रत्येक घर में भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन उसी रूप में, श्रीदाम के रूप में है, सुबल के रूप में है, वरुथप के रूप में है, अर्जुन के रूप में है, तेजस्विन के रूप में है, और कई जो भी नाम रूप जैसा पहले कहा गया, तो इन रूपों में सेवा हो रहे थे। उबटन लगाने के बाद, सुगंधित तेल लगाने के बाद, फिर मज्जन, स्नान। स्नान की यही विधि है वास्तव में, पहले खूब सुगंधित तेल लगाना चाहिए शरीर में, मालिश करके तब नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। आजकल के तो आदमी केवल पानी से नहा लेते हैं, उसी को स्नान समझते हैं। द्वादश स्कंध में लिखा गया है कि कलयुग में लोग जल से नहा लेना ही स्नान मानेंगे, तो कुछ लोग तो वो भी नहीं करते होंगे। अब इस भयंकर जाड़ा में तो कुछ लोग पानी से भी नहीं नहाते हों है ना, केवल मंत्र स्नान ही कर लेते होंगे, कुछ मान लेते हो मानसिक स्नान। अगर मन से भी गंगा जी में डुबकी मारा जाए तब भी वो पवित्रता आ जाती है, तो शुद्ध तो हो ही जाएगा जी, लेकिन लोग मन से भी नहीं नहाते हैं। एक भक्त एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी अगर खूब जाड़ा हो और कई बार बाथरूम जाना पड़े तो क्या नहाना जरूरी है, मंत्र स्नान नहीं कर सकते हैं? तो मैं तो कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मंत्र स्नान क्या है, लेकिन वास्तव में नहाते समय मंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, तब वास्तविक शुद्धि होती है। यदि आदमी नहा रहा है और चुपचाप है तो उतना शुद्ध नहीं हो सकता है, तो सीताराम या हरे कृष्ण करके नहाना चाहिए। तो पानी तो सहायता कर ही रहा है, लेकिन ये जो मंत्र है वो भीतर हृदय को शुद्ध करता है। सब बाह्या भ्यंतरो सूचि, बाहर और भीतर से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो जो लोग स्नान करते समय महामंत्र बोलते हैं, ये भगवान का कोई भी नाम बोलते हैं, तो भीतर से भी पवित्र हो जाते हैं। तो माताएं स्नान करा रही हैं अपने अपने बच्चे को, अर्थात बच्चा रूपधारी श्री कृष्ण को, तो पहले उबटन लगाए, सुगंधित तेल लगाए, इसके बाद तब गुनगुने पानी से स्नान करा रहे। बहुत ठंडा पानी से नहीं, पहले से ऐसे पानी का तापक्रम इस बिंदु पर रखा कि चमड़े को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो स्नान कराए, लोटा से डाल करके और सिर मलना भगवान का, सब कुछ। कितना बड़ा भाग्य है उन माताओं का, आज साक्षात भगवान अपने पुत्र के रूप में मिले हैं। तो स्नान करा देते, स्नान कराने के बाद आलेप, आलेप का अर्थ है चंदन का लेप ललाट पर इत्यादि, हाथ पर, वक्षस्थल पर। यदि वह जाड़ा का दिन नहीं है तब, ये अर्थ ऐसा नहीं है कि जाड़े में अब लेप करने लगे चंदन और बच्चा हॉस्पिटल चला जाए। तो, शीत के अतिरिक्त समय में चंदन का लेप कर दे, जाड़े में कस्तूरी लगाया जा सकता है, वो गर्म होता है। रक्षा तिलका सनाद भी, और रक्षा तिलक
ये जो प्रसिद्ध तिलक है इसको भी रक्षा तिलक कहते हैं। ये शरीर की सुरक्षा करने के लिए और मन को ठीक रखने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग 12 जगह तिलक करते हैं, ये तिलक की बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ, विषयांतर नहीं हो रहा है। हम लोग शरीर पर 12 जगह भगवान को बैठाते हैं। ये जो तिलक है इसको हरिमंदिर तिलक कहते हैं। ये मंदिर की दोनों दीवारें हैं और नीचे तुलसी के आकार में इस मंदिर की नींव है, ऐसा कहते हैं। तो इसको बना करके इसमें हम लोग बैठाते हैं श्री केशवाय नमः, भगवान केशव को बैठाते हैं मंत्र पढ़ करके, नमस्कार करके श्री केशवाय नमः, फिर उदर पर श्री नारायणाय नमः और वक्षस्थल पर श्री माधवाय नमः और कंठ में श्री गोविंदाय नमः। इसके बाद दाहिने कुक्षी में श्री विष्णवे नमः, फिर दाहिने बाह के मूल नीचे श्री मधुसूदनाय नमः और ऊपर श्री त्रिविक्रमाय नमः, फिर बाएं भाग के कुक्षी में श्री वामनाय नमः और इसके बाद तब बाएं बाह के मूल में श्री श्रीधराय नमः और ऊपर श्री हृषिकेशाय नमः, पीठ पर ऊपर श्री पद्मनाभाय नमः और नीचे श्री दामोदराय नमः कमर। तो जब हम देह समर्पित करते हैं, इसीलिए भगवान के 12 मूर्तियों को हम शरीर पर बैठाते हैं कि हे विष्णु हे कृष्ण यह मेरा देह आपका है। तो भगवान इस पर विराजते हैं, इससे शरीर की रक्षा होती है काल से, कर्म से, सब प्रकार से। यह साइंस है वास्तव में, ये सामान्य बात नहीं है। तो इस तरह से माताएं कृष्ण के और अपने बच्चे के शरीर पर तिलक करती थी। अपने आप बच्चा नहीं कर सकते थे या वो महिमा नहीं जानते, लेकिन माताएं जानती थी। और रक्षा तिलक एक और भी होता है, किसी की नज़र न लग जाए इसके लिए काला धब्बा लगा देती थी इधर उधर। ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कोई बुरी नज़र वाला हो, टोना करने वाला, तो उसकी नज़र जा करके उस काले धब्बे में सोख ली जाती है, इधर उधर बच्चे पर असर नहीं होता। तो श्री कृष्ण का चाहे जितना भी श्रृंगार होता था, सोना या हीरा गहना पहनाया जाता था, लेकिन काला जरूर तिलक एक जगह दे दिया जाता है। इसको भी रक्षा तिलक कहते हैं, बच्चे की रक्षा के लिए सब किया जाता है। और इसके बाद इतना करने के बाद तब आसन भोजन, ये सब स्नान वगैरह करने के बाद, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना स्नान कराने के बाद तब भोजन। तो भोजन कराती थी अपने बच्चे को, जो श्री कृष्ण थे वास्तव में। और आदि भी भोजन के बाद फिर वार्तालाप, ये सब करने के बाद तब होता था कैसे कैसे आज, कैसे कैसे वत्सचारण किया, कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे। और इसके बाद निद्रा शयन। तो प्रतिदिन माताएं इस तरह से अपने अपने बच्चे की सेवा करती थी, दूध पिलाना, फिर सुगंधित तेल लगाना, स्नान कराना, उठाना, रात में बीच बीच में उनकी आवश्यकता को देखते रहना। माताओं का ध्यान सदा अपने बच्चे पर था। तो पहले की अपेक्षा 100 गुना प्रेम बढ़ गया माताओं का अपने बच्चों में। जितना प्रेम कृष्ण के प्रति था उतना प्रेम अब अपने बच्चे के प्रति हो गया। कारण क्या है कि श्री कृष्ण और बच्चे में कोई भेद नहीं है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री बलराम जी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि क्या हो गया, ब्रज तो अप्राकृत है, स्वरूप शक्ति का बना हुआ है, माया शक्ति का नहीं। तो संसार में सभी अपने अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, कृष्ण से कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो गया, सब लोग अपने अपने बच्चे से प्रेम करने लगे। पहले सबका कृष्ण में प्रेम था, लेकिन अब जितना कृष्ण से प्रेम है उतना ही अपने बच्चे से भी प्रेम हो गया। ये क्या हो गया, ये तो साल भर के बाद सोचेंगे बलराम जी। रोज देखते थे, चकित होते थे। बाद में भगवान ने उनको बताया कि यह बात है, मैं ही बच्चा के रूप में बना हुआ हूँ। और बलराम जी स्वयं भी कुछ समझने लगे थे।
तो इस तरह माताएं अपने बच्चों का श्रृंगार करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, दूध पिलाती थी। ये सौभाग्य भगवान ने दिया। अब गौओं के विषय में कह रहे हैं, गाव ततः गोष्ठमुपेत सत्वरह हुंकार घोषः परिहूत संगतान। जब गौएं आई ब्रज में वन से चर करके प्रथम दिन, कर रही थी तो बच्चे भी उत्तर दे रहे थे। बच्चे सब श्री कृष्ण थे, अपने अपने माँ के स्वर को पहचान करके बच्चे भी उत्तर देते थे। तो वे बहुत वेग से दौड़ करके आई और आ करके अपने अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो अब दूध नहीं पीते थे, केवल घास खा करके रहते थे, लेकिन आज वे दूध पीने के लिए दौड़े बच्चे भी, और गौएं दूध पिलाने लगी। उनके थन से अपने आप अमृत जैसा सुस्वादु दूध बह रहा था और बछड़े पीते जाते थे और गौएं उनको दूध पिलाती थी और चाटती जाती थी। गौओं का स्वभाव होता है अपने बच्चे को दूध पिलाती और चाटती हैं, तो गौएं खूब चाट रही थी। इस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा। जितना कृष्ण के प्रति प्रेम था उतना अपने अपने बच्चों में प्रेम हो गया। यह भगवान ने सौभाग्य दिया। और श्रीपद बल्भाचार्य जी इस प्रकरण को लिखते समय कहते हैं कि भांगुरी ऋषि जो नंद बाबा के पुरोहित थे, उन्होंने आ करके उसी साल कहा सभी गोपों से कि इस वर्ष विवाह का बहुत सुंदर लग्न है, जितनी भी बच्चियां हैं उनका विवाह हो जाना चाहिए इस साल। उन्होंने बताया जितनी भी बच्चियां हैं, छोटी हो कुछ भी हो, उनका विवाह हो जाना चाहिए। तो उसी साल सबका विवाह हुआ था। तो वास्तव में विवाह कृष्ण के साथ हुआ था। जो लोग गोपियों में परकिया भाव का आरोप करते हैं, परकिया पने का आरोप करते हैं, वे गलत बोलते हैं। वास्तव जितनी भी गोपियां हैं भगवान की पत्नियां हैं। वे ये व्यवस्था हुई थी, जिस साल श्री कृष्ण सभी बच्चे बने हुए थे उसी साल सबका विवाह हुआ था। बाद में वो किशोर अवस्था के हुए, बड़े हुए। यह सब भगवान की व्यवस्था होती है। तो गौओं को इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने का अवसर मिला और माताओं को सेवा करने का ये सब अवसर मिला। तो ये भगवान ने सुयोग दिया। यह भगवान की भगवत्ता है, भगवान का ऐश्वर्य है। वे किसी भी भक्त के किसी भी मनोरथ को कभी भी पूरा कर सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई स्त्री बच्चा मानने लगे तो क्या करेगा, बच्चा तो हो नहीं सकता है। इस संसार में सभी अपूर्ण हैं, लेकिन कृष्ण को कोई अपना पुत्र माने तो श्री कृष्ण पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, बन सकते हैं। उनके पास सभी शक्तियाँ, जैसे प्रिश्नी और सुतपा ने तप किया था तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो सुतपा और प्रिश्नी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई दूसरा भगवान होगा तब ना, कोई दूसरा तो है नहीं, किसी भी गुण में मेरे समान कोई नहीं है। तो ये वर देने में तो मैं असमर्थ हूँ। तो भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति वचन दे करके वर नहीं देता है, असमर्थ होता है, तो उसे तिगुना देना चाहिए तब जा करके चुकता है। तो मैं आपका तीन बार पुत्र बनूंगा, मैं बनूंगा क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा है नहीं, मैं कहाँ खोजने जाऊंगा अपने समान, तो मैं ही पुत्र बनूंगा। और वास्तव में सुतपा और प्रिश्नी की चतुराई थी। वे लोग चाहते थे कि भगवान मेरा पुत्र बने, लेकिन कहने में संकोच हो रहा था, कह दिए कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं। वे जानते थे कि भगवान जैसा दूसरा भगवान कोई है नहीं, तो भगवान हमारा पुत्र बनेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं बनूंगा।
तो वे प्रिश्नी गर्भ कहलाए उस अवतार में. बाद में भगवान ने अवतार लिया तो बामन देव कहलाए, उपेंद्र कहलाए, और फिर वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि इस समय मैं श्री कृष्ण रूप में आपका पुत्र. वे वसुदेव और देवकी बने. तो इस तरह भगवान की ये लीलाएं इस बात को सूचित करती हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं और किसी भी भक्त की इच्छा को पूरी कर सकते हैं. कभी भी कहीं भी किया है उन्होंने. एक भक्त ऐसे हुए हैं, भक्तमाल में कथा है, कि उनका कोई शिष्य या पुत्र नहीं था, तो भगवान ने उनका दाह संस्कार वगैरह किया, मूर्ति ने किया. मूर्ति से प्रकट होकर के भगवान उनका दाह संस्कार किए, क्योंकि कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मानते थे. कृष्ण ने ऐसा किया. ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है और सर्वज्ञता है. सब जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. अतः ऐसे प्रभु की शरण लेनी चाहिए, भजन करना चाहिए. कितना सुंदर अवसर दिया सेवा का. और साल भर इसी तरह से वन में और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे. सवेरे वन में चले जाते थे, अपने से अपने को हाँकते हुए अपने आप खेलते थे. नाम के लिए वो सब सखा थे, नाम अलग अलग था, लेकिन सब कृष्ण थे. वैसे ही भोजन लीला, वैसे ही खेलना, सब कुछ साल भर ये सब चलता रहा. और श्री बलराम जी भी रोज जाते थे. तो वहाँ केवल भगवत तत्व ही था और कुछ नहीं था. बलराम जी भगवान हैं और बच्चे सब भगवान, श्री कृष्ण तो हैं ही. तो इस तरह एक भगवान अपने को अनेक रूप में प्रकट करके रोज वृंदावन में खेल रहे थे. यहाँ तक कि भगवान वृंदावन की घास भी चरे हैं. वो तो घास चरते थे, खाते थे, पीते थे. भगवान को ब्रज इतना प्रिय है कि बछड़ा बनकर घास चरे. इस तरह से ये भगवान का दिव्य विहार है जो वृंदावन में चलता रहता है. और मैं तो यही चाहता हूँ कि एक साल तक माताओं को ये सौभाग्य दिया जाए, ब्रज की माताओं को और गौओं को, कि भगवान इसी तरह से रहें. मेरे कहने का आशय, मैं कथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ कि ये माताओं का सुख नष्ट हो जाए. एक साल तक भगवान इस तरह से सौभाग्य दिए तो हम लोगों को भी मन में रखना चाहिए, हाँ भगवान वन में आ रहे हैं, वन से ब्रज में जा रहे हैं, माताओं को भाग्य दे रहे हैं, वृंदावन के पशु पक्षी आदि की नकल कर रहे हैं, वानरों से, मयूर से, कोकिल से, उनकी बोली में बोली मिला करके उनको आनंद दे रहे हैं. सब क्रीड़ा, जिन क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया वो सारी क्रीड़ाएँ भगवान वृंदावन में करते रहते हैं. तो ये विशेष रूप से क्रीड़ा हुई जिसको एक साल तक भगवान ने किया, और भक्तों को यह बहुत प्रिय प्रसंग लगता है. और कभी कभी भक्त ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छा किया इस तरह से. यद्यपि ब्रह्मा जी बाद में बहुत क्षमा मांगे हैं, पछताए हैं कि हमको क्या हो गया था, ऐसा क्यों किया, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, ये सब भगवान की इच्छा थी. महाराज ने शुरू में बताया था कि जिस प्रकार रावण वास्तविक सीता को नहीं छू सका, उसी प्रकार ब्रह्मा जी वास्तविक गोपाल, जो गोपाल थे और गाय थी, उनको वो माया द्वारा प्रकट किए गए थे. और बाद में स्वयं श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने और गोपाल जन बने. तो इतने एक साल के दौरान में जो वास्तविक जो गौएं, जो वास्तविक बछड़े थे वही सब श्री कृष्ण रूप हुए. श्री कृष्ण ही अपने को प्रकट किए. पहले से भी जो बछड़े थे और गोप थे वे सब चिन्मय ही थे, लेकिन चिन्मय जीव के रूप में थे. आज वे सब भगवान के रूप में हैं. भगवान ही अपने को प्रकट किए, उनको अपने साथ रखे. श्री कृष्ण की ये विशेषता है कि वे स्वयं रहेंगे और उसके साथ कोटि जीव को अपने साथ रख सकते हैं. तो वे सब श्री कृष्ण के साथ ही थे. जो श्री कृष्ण अपने को सुबल आदि के रूप में प्रकट किए, मधुमंगल आदि के रूप में, तो उसी में थे. और जो माया शिशु थे
वे सब ब्रह्मा जी के द्वारा कहीं अलक्षित सुलाए गए थे। अभी जैसे हमारे को बताया जाता है कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु का नाम ही है, भगवान का नाम ही है, और उसके लिए हमें संतों का संग या भागवत कथा या जो रेगुलर जैसे 16 माला का जाप है ये करना चाहिए या सेवा करनी चाहिए, इससे मतलब हमारे भाव की वृद्धि होती है। तो मैं थोड़ा फिर भी सुनना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग करते हैं ऐसा, सेवा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, किसी ने मतलब एहसास किया है, उन एहसास किसी ने जैसे भगवान उनके साथ हैं, उनमें उनमें है, उस भगवान के होने का उसको एक्सपीरियंस किया है, हाँ, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। किसी व्यक्ति का मन भगवान में लग जाता है, भाव हो जाता है, तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं, कई लक्षण होते हैं, जैसे 9 लक्षण शास्त्र में लिखे गए हैं कि वह व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मान की इच्छा नहीं करता, वो भगवान के धाम में बार बार जाना चाहता है, भगवान का नाम उसके जिह्वा से हमेशा निकलता रहता है, भगवान के गुणों के वर्णन में उसकी आसक्ति होती है और उसकी लालसा हमेशा बनी रहती है, कभी हताश नहीं होता है कि कृष्ण हमको मिलेंगे, कभी आशा नहीं टूटती है, आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि, और आसक्ति स्तद गुणाख्याने प्रीति स्तद बस्ति स्थले, भगवान जहाँ रहते हैं वहीं पर उसकी प्रीति होती है, वो जाना चाहता है बार बार, ये प्रेम का लक्षण है कि बार बार वृंदावन जाने की इच्छा हो, या भगवान का नाम जब कोई भक्त कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो इसका मतलब उसको प्रेम हुआ है तब कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा। या भगवान के विषय में बार बार बोलता जा रहा है तो उसकी भगवान में आसक्ति है, भाव है, इसलिए बोलता जा रहा है, और कुछ भी सहेगा संसार में, कुछ भी हानि लाभ मान अपमान हो सब कुछ सह सकता है, ये सब लक्षण उसके होते हैं। हरे कृष्णा, अभी प्रभु जी आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, मेरा नाम है दीनानाथ दास / DN कपूर, मैं जनकपुरी से आता हूँ और पिछले 25 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। आप ये जो प्रसाद सेवा कर रहे हैं इसमें आपको कैसा अनुभव होता है? सेवा करना इंसान का धर्म है, सेवा अस्माको धर्म, सेवा ही तो जब महाराय महाभारत का हुआ था ये तो युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था तो भगवान कृष्ण ने वहाँ पतल उठाई थी, तो सेवा ही धर्म है इंसान का, हमें सेवा करके इस शांति मिलती है। हरे कृष्णा, आपका शुभ नाम क्या है? लता। आप कथा में कितने दिन से आ रही हैं? सिर्फ संडे का नहीं अटेंड किया, बाकी सारा अटेंड किया है मैंने। कौन सी ऐसी खास बात आपको कथा में सुनने को मिली जिसको आप जीवन में उतारना चाहती है, कथा कैसे आकर्षित की आपको, बताएंगे कथा के बारे में थोड़ा आप? मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी के मुख से सुन के कि मानो मैं उस लीला में शामिल हो गई थी, और जब आज मुझे जब मुझे कल पता चला कि 2 दिन और बढ़ गई है कथा तो मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन आज फिर मुझे पता चला कि आज लास्ट डे है तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं और सुनना चाहती हूँ जितना हमें श्रवण करना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही चाहूँगी कि ऐसे जो सप्ताह हैं वो होने चाहिए, क्योंकि इन सप्ताहों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये लोग हम समझते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ समझ नहीं सकते, विदाउट श्रवण हम कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी महाराज जी से कि उन्हें ऐसे भागवत सप्ताह करते रहने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये प्रसाद जो पा रहे हैं और इसमें 5-6 तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं, और डेली इस तरीके का प्रसाद होता था ताकि ये 1000 के करीब लोग यहाँ पर बैठकर ये प्रसाद को पाते थे, और पा रहे हैं आप देख रहे हैं इसको, और इतनी ठंड के बावजूद बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं जो कथा का आनंद भी जिन लोगों ने लिया और साथ में प्रसाद का भी, जबकि इतनी ठंड है फिर भी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने बैठे हुए हैं बहुत। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा बंदो मुनि। हरे कृष्णा। तो परम आदरणीय श्रील हरिदास जी प्रभु के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना है कि इनका यह दल इसी तरह भगवान की कीर्ति का प्रसार करे सारे जगत में, ये बहुत अच्छा कार्य है और लोगों का उद्धार करने वाला है, बहुत पवित्र कार्य है। मेरी ये हार्दिक शुभकामना है कि
यह कार्य अधिक से अधिक फैले और जगत का कल्याण कर सके। वास्तव में इसी से जगत का कल्याण हो सकता है। यह भगवान की कीर्ति का सीधा प्रसारण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू महाराज, थैंक यू हरे कृष्णा, मुझे यहाँ आपको सेवा करने का मौका दिया। नहीं, आपने यहाँ आकर सेवा की, इसके लिए बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपको। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ रचरित वेदे गाय जहाँ रचरित।